हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम ए फादर ऑफ ए वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ ए केयरिंग वुमेन। आई एम इनटू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 26 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन है बीना सोलेस एट दौलत नगर सांता क्रूज वेस्ट मुंबई। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, बीना सोलेस जो है, इट इज डेवलप्ड बाय बीना डेवलपर। बीना डेवलपर इज वन ऑफ द ब्रांडेड डेवलपर इन मुंबई। उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ऑल ओवर मुंबई में, और दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट लेटेस्ट लॉन्च्ड, बीना सोलेस एट सांता क्रूज वेस्ट। तो दिस इज द एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग, जहां पर आप देखेंगे दो लेवल बेसमेंट पार्किंग दिया गया है इस बिल्डिंग में, ग्राउंड है, और फर्स्ट फ्लोर पे एमिनिटीज जोन दिया गया है। उसके बाद 8 हैबिटेबल फ्लोर्स है, और इसमें दो विंग दिया गया है, ए और बी विंग। हर एक विंग में, हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 BHK फ्लैट्स। तो दोस्तों, बिल्डिंग का जो हाइट है वो 8 वाले तक रखा गया है, क्योंकि इसके नजदीक में बिल्कुल डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, तो वो हिसाब से हाइट रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से इसका जो हाइट है, फ्लोर हाइट है, वो सिर्फ 8 माले तक रखा गया है। और लैंड पार्सल इस प्रोजेक्ट का जो है वो 0.37 एकड़ का लैंड पार्सल है। बिल्डिंग काफी प्राइम लोकेशन पर है, सांता क्रूज वेस्ट में है। सांता क्रूज वेस्ट इज वन ऑफ द पॉश एरिया ऑफ मुंबई। खार, बैंड्रा एंड सांता क्रूज इज वन ऑफ द पॉश एरिया। प्रोजेक्ट इज लोकेटेड नियर SV रोड। इट इज बिटवीन SV रोड और लिंक रोड। बिल्डिंग का एलिवेशन आप दोस्तों देखेंगे, काफी एलिगेंट लुक है बिल्डिंग का, जिसमें बैल्कनी दिया गया है, फ्रेंच कट विंडोज है, और एट द सेम टाइम काफी ब्राइट कलर है बिल्डिंग का। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बीना डेवलपर्स का बहुत ही बढ़िया रहता है, और इंटरनल फिनिश जो होगा फ्लैट्स का, इसमें सारे बड़े साइज के फ्लैट्स दिए गए हैं, बड़े और डिसेंट साइज के 2 BHK और 3 BHK दिए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आप देखेंगे कुछ रिटेल प्लाजा दिया गया है, सराउंडेड बाय प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स। तो दिस इज एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग दोस्तों, जहां पर आप फ्रंट साइड से आप देखेंगे तो दिस इज हाउ द बिल्डिंग लुक्स। और इसमें आप देखेंगे सारे फ्रेंच कट विंडोज दिए गए हैं, और नीचे की तरफ आप देखेंगे राइट साइड में थोड़ा सा पोर्शन जो है वो रिटेल प्लाजा के लिए दिया गया है, और मैक्सिमम ग्लास फसाड का इसमें यूज किया गया है। तो जितने भी आप विंडोज देखेंगे हॉल के, बेडरूम्स के, सारे लार्ज साइज विंडोज है, फ्रेंच कट विंडोज दिया गया है इस पे। और विंडो के बाहर के तरफ आप देखेंगे LED लाइट्स दिया गया है, ताकि रात के टाइम जब LED लाइट्स जब जलती है तो डेफिनेटली बिल्डिंग विल लुक मच बेटर, इट विल लुक मोर ग्लैमरस। और पार्किंग दोस्तों इसका बेसमेंट में दिया गया है, दो लेवल बेसमेंट है इसमें, B1 और B2। और जो एंट्री गेट है, जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं एंट्री गेट है, वो स्लाइडिंग गेट है। तो लोकेशन वाइज दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज सांता क्रूज स्टेशन। यहाँ से ये प्रोजेक्ट हार्डली 10 मिनट के डिस्टेंस पर है सांता क्रूज रेलवे स्टेशन से। इसके पैरेलल SV रोड है, SV रोड के पैरेलल ही मेट्रो ट्रेन चल रही है, तो मेट्रो लाइन इस प्रोजेक्ट के काफी नजदीक है। एट द सेम टाइम सांता क्रूज स्टेशन इसके काफी नजदीक है, जो कि रेलवे स्टेशन है। और जैसे ही आप सबवे क्रॉस करते हो, मिलिन सबवे जैसे ही आप क्रॉस करते हो, तो आप आते हो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर ऑपोजिट साइड में डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। तो USP अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 7 मिनट के डिस्टेंस पर है, सांता क्रूज रेलवे स्टेशन 10 मिनट के डिस्टेंस पर है, एयरपोर्ट 12 मिनट के डिस्टेंस पर है, बैंड्रा वर्ली सेलिंग 20 मिनट के डिस्टेंस पर है, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स 18 मिनट के डिस्टेंस पर है, और जू बीच 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। और इसके अलावा दोस्तों, ये सराउंडिंग एरिया में जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, ईटिंग जॉइंट्स, सारा कुछ इस प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक पर अवेलेबल है। अगर आप जू बीच पे भी जाना चाहते हो, जू चौपाटी भी जाना चाहते हो इस लोकेशन से, तो विद इन आप 10 मिनट के ड्राइव पर आप जू चौपाटी आप जा सकते हो। रिटेल एंड डिजाइनर बुटीक्स, लग्जरी होटल्स एंड फाइन डाइनिंग्स, दीज आर ऑल क्लोज बाय टू दिस प्रोजेक्ट वीना सोलेस बाय वीना डेवलपर।
तो यहाँ पर दोस्तों सांता क्रूज वेस्ट से यू आर वेल कनेक्टेड टू द सराउंडिंग एरियाज लाइक जैसे अंधेरी वेस्ट आप इजिली आप ट्रेवल कर सकते हो, खार बैंड्रा सांता क्रूज इज कनेक्टेड एरिया, तो आप अगर सांता क्रूज वेस्ट में भी रहते हो तो आप इजिली आप बैंड्रा ट्रैवल कर सकते हो, बैंड्रा वेस्ट आप ट्रैवल कर सकते हो, हिल रोड आप जा सकते हो मार्केटिंग के लिए, अगर आपको कार्टर रोड भी जाना है बैंड्रा में तो आप कार्टर रोड भी आप इजिली आप ट्रैवल कर सकते हो यहाँ से। सेकेंडली आसपास के सराउंडिंग एरियाज में काफ़ी बड़े क्लब्स है, जैसे बैंड्रा में ऑटोस क्लब काफ़ी फेमस है, खार जिमखाना काफ़ी फेमस है, उसके बाद कैथलिक जिमखाना काफ़ी फेमस है, तो ये सारे सराउंडिंग एरियाज में काफ़ी बड़े क्लब्स है जहाँ पर आप क्लब मेंबरशिप वहाँ पर आप ले सकते हो। आफ्टर ऑल सांता क्रूज वेस्ट इज वन ऑफ द प्राइम लोकेशन ऑफ मुंबई। फाइनली दोस्तों आते इसके प्लान के ऊपर, तो दिस इज आइसोमेट्रिक प्लान। सो 2 BHK यहाँ पर आपको 831 कारपेट एरिया मिलता है जहाँ पर आप देखेंगे आइसोमेट्रिक व्यू में आपका जो फर्नीचर प्लेसमेंट, आप किस तरीके से फर्नीचर यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो, डाइनिंग स्पेस आप कैसे रख सकते हो, आपका लिविंग स्पेस है जो प्रॉपरली प्लेस्ड है, किचन में दोनों साइड प्लेटफॉर्म दिया गया है, प्लस लार्ज साइज फ्रिज और वॉशिंग मशीन रखने के लिए जगह दिया गया है जो कि यूटिलिटी स्पेस दिया गया है इस फ्लैट में। एट द सेम टाइम 2 BHK में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपका एक को वर्किंग स्पेस है जहाँ पर आप एल शेप हॉल जहाँ पर आपका है तो वहाँ पर आपका एक वर्किंग स्पेस बना हुआ है, तो स्पेस को आप स्टडी स्पेस आप बना सकते हो, आप को वर्किंग स्पेस बना सकते हो इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, एट द सेम टाइम आप उस स्पेस को पूजा स्पेस भी बना सकते हो, पूजा रूम भी बना सकते हो। तो यहाँ पर डाइनिंग स्पेस को लेफ्ट साइड में रखते हुए राइट साइड में एल शेप जो हॉल है, जो एल पोर्शन है, तो राइट साइड का जो पोर्शन है उसको मल्टीपर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो। बेडरूम्स दोनों लार्ज साइज के बेडरूम्स है, सेल्फ कंटेन बेडरूम है। इस 2 BHK का जो साइज है वो 831 कारपेट एरिया है जिसका प्राइस शुरू होता है 3.75 crore ऑल इंक्लूसिव, एंड दिस इज द आइसोमेट्रिक व्यू फॉर 3 BHK जिसमें अगेन आप यहां पर आप देखेंगे फोयर एंट्रेंस दिया गया है, तो फोयर एंट्रेंस में प्राइवेसी मिलती है आपको फ्लैट में, और लिविंग स्पेस बहुत ही प्रॉपरली डिजाइंड है, यहाँ पर आप लार्ज सोफा रख सकते हो, यूनिट आप प्रॉपरली प्लेस कर सकते हो, और 6-seater डाइनिंग स्पेस इसमें आराम से बैठ जाता है। किचन में अगेन आपको यूटिलिटी स्पेस मिलता है जहाँ पर आप वॉशिंग मशीन रख सकते हो, और एट द सेम टाइम दोनों साइड प्लेटफॉर्म दिया गया है और लार्ज साइज फ्रिज आप आराम से रख सकते हो। बेडरूम में अगेन आप देखेंगे 2 bedroom अटैच्ड है और एक पैसेज के ऊपर कॉमन वॉशरूम दिया गया है। तो दोस्तों ये जितने भी फ्लैट्स हैं सारे सुपर डिलक्स फ्लैट है, और इसमें जितने भी एमिनिटीज दिए गए हैं, जितने भी फिटिंग्स वगैरह दिए गए हैं फ्लैट्स के अंदर, सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स दिए गए हैं, और 3 BHK का एरिया जो होगा वीना सोलिस में वो 912 कारपेट एरिया है जो कि प्राइस शुरू होता है 4.25 crore से इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस, एंड दिस इज द फ्लोर प्लान ऑफ वीना सोलिस बाय वीना डेवलपर, जहाँ पर आप देखेंगे 2 wing है, ए विंग और बी विंग, और हर एक विंग में हर एक फ्लोर के ऊपर 4 flat दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 BHK फ्लैट्स। तो काफ़ी गेटेड कम्युनिटी है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, तो ऐसे सोसाइटी में ऐसे बिल्डिंग में सोसाइटी को मेंटेन करना भी इजी रहता है बिकॉज लिमिटेड फ्लैट्स है इसमें। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का होगा अक्टूबर 2023 में, तो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर।